गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? क्या कर रहे हो? घर में पढ़ाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? आपको पढ़ाई तो करनी है ना। सुबह सुबह उठ के ब्रश करके नाश्ता करके और पढ़ने बैठ जाना है। ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन हम लोग कहाँ तक सीखे हैं? मैंने आप लोगों को व्यंजन कहाँ तक सिखाया है? ध से धनुष का, ध से धनुष तक सिखा दिया ना मैंने आपको व्यंजन। पर आज आपको ध से धनुष के आगे सिखाएगी न से नल। नल यानी जिसमें से आप पानी लेते हैं, टैप को हम क्या बोलते हैं? नल। पानी निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? नल। और ये क्या है, किसका पिक्चर है? नहर। नहर देखे हो आप लोग? जिसमें आप जाओगे दूर कहीं खेतों में जाओगे तो नहर होती है, और नहर से क्या होता है? पानी निकलता है खेतों में जाने के लिए, पानी का स्रोत होता है नहर। ओके, तो आज हम लोग न से नहर और न से नहर पढ़ने वाले हैं। जब भी हम कोई नया व्यंजन सीखते हैं तो पुराने पूरे व्यंजन को रिपीट करते हैं। तो चलो चलो, ख ख ग घ अन्य, चारे बच्चे बोलो मेरे साथ साथ बोलो, क ख ग घ अन्य, च छ च झ य, ट ठ ड ढ ढ्य, त थ द ध। और आज हम लोग क्या सीखेंगे? न। क्या सीखेंगे? न, जो आपके बुक में सारे व्यंजन दिए हुए हैं। फिर से बोलो न, रिपीट करें, क ख ग घ ञ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ्य, त थ द ध। हम लोग घ तक सीख लिए हैं, आज हम लोग न तक सीखेंगे। कहाँ तक सीखेंगे? न तक। कहाँ तक सीखेंगे? न। न से नल और न से हम नहर। तो सबसे पहले इसको आपको नोटबुक में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थ्री स्टेप की लाइन। आपके पास स्केल है तो चलो आप हिंदी की नोटबुक में इसको नोटबुक में करना है। किसमें करना है? नोटबुक में। किसमें करना है? नोटबुक में। सारे बच्चों को किसमें करना है? हिंदी की नोटबुक में। किसमें करना है? हिंदी की नोटबुक में। तो चलो सारे बच्चे निकालो हिंदी की नोटबुक और करना स्टार्ट कर दो। न से नल लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? न से नल। आपके पास पेंसिल है, रेजर है, स्केल है, तो चलिए निकालिए और लिखने के लिए हो जाइए रेडी। आज हम लोग लिखने वाले हैं न से नल। न से नल हम लोग क्या लिखेंगे? न से नल। तो वो मैम तो तीन लाइन लिखाती है, दो लाइन लिखाती है, कभी फोर लाइन में लिखाती है, पर बच्चों को कितना लिखना है? पूरा पेज, केवल एक अक्षर पूरा पेज लिखना है स्टैंडिंग लाइन से, और एक लाइन लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, और आपको टू पेज लिखने हैं। क्यों लिखने हैं टू पेज? एक पेज क्लास वर्क का, दूसरा पेज होमवर्क का। ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग क्या लिखेंगे? न से नहर। न से नहर, और आज पूरा पेज मैम के साथ साथ लिखना है। चलो लिखो, न से नहर। 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 चिल्ड्रन वन लाइन कंप्लीट। चलो फर्स्ट करो, न से नहर। 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 फर्स्ट लाइन कितना किसका कंप्लीट हो गया? हम सब करो तो सारे बच्चे में यहीं से देख रहे हो किसका किसका कंप्लीट हो गया। न से नहर और न से नल। न से नहर और न से नल, किसका किसका कंप्लीट हो गया नाउ? ओके, अब नाउ सेकेंड लाइन पे आ जाएंगे हम लोग। फर्स्ट लाइन किसका किसका कंप्लीट हो गया सारे बच्चों का हो गया। नाउ सेकेंड लाइन, न से नहर। न से नहर। न से नहर। न से नहर। नाउ देखो मैम के सेकंड लाइन कंप्लीट।
दर्जी किसको बोलते हैं? टेलर को। किसको बोलते हैं? टेलर। जो हमारा कपड़ा सिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दौसे दर्जी। मैंने आपको व्यंजन में द सिखाया ना, द से दवा, द से दरवाजा सिखाया है ना, वो उसको हम लोग क्या, द से दवाई, द से दरी ये वाला सिखाया ना, तो द से क्या होता है? दर्जी भी होता है। क्या होता है? द से दर्जी। तो राइट डाउन करें तो हमको ब्लू लाइन से लिखना स्टार्ट करना है और ब्लू लाइन पे खत्म करना है। तो हम लोग लिखेंगे द से दर्जी, द से दर्जी। क्या लिखेंगे? द से दर्जी, द से दर्जी। दर्जी हमारे घर के क्या करता है? कपड़ों को सिलता है। ओके, नाउ सेकेंड पिक्चर है ध से धनिया। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में ध से धनुष और ध से धन सिखाया था, पर ध से धनिया भी होता है। ओके, धनिया यानी हम लोग वेजिटेबल्स में इसका प्रयोग करते हैं, सब्जियों में खाने में इसको धनिया का प्रयोग करते हैं। धनिया देखा है सबने? किसने किसने देखा है? सब करो तो ध से धनिया। वेरी गुड, सबने देखा है। ओके, तो ध से धनिया हम लोग लिखेंगे। ध से धनिया हम लोग ब्लू लाइन से लेकर फर्स्ट ब्लू लाइन से लेकर सेकंड ब्लू लाइन के अंदर लिखेंगे। ओके, ध से दर्जी, ध से धनिया। ओके, अब है ये जो है हाथ का क्या है? दस्ताना। क्या है? दस्ताना। क्या है? दस्ताना। द से दस्ताना, जो हम हाथ में पहनते हैं। क्या कहते हैं? हाथ में पहनते हैं। तो ये लिखा है क्या? द से दस्ताना, द से दस्ताना। क्या आएगा? द से दस्ताना, जो ऊंचा होता है ना ऊंचा, और हम अपने हाथों में पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? द से दस्ताना। क्या बोलते हैं? द से। विंटर सीजन जब आती है, सर्दी का मौसम जब आता है, तो हम उसको अपने हाथों में क्या करते हैं? पहनते हैं। क्या करते हैं? पहनते हैं। ओके, नाम नीचे है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि नौ से नौ और नौ से नौ, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे? नौ से नल। नल यानी हम लोग पानी के लिए नल का यूज करते हैं। जब हमको पानी चाहिए होता है तो हम नल को चालू करते हैं और उसमें से पानी ले लेते हैं। ओके, तो नाम नौ से नौ, यहाँ पे लिखेंगे नौ से नौ। ओके, नौ से नौ। क्या लिखेंगे? नौ से नौ। क्या लिखेंगे? नौ से नौ। अब नेक्स्ट पिक्चर है खरबूजा की। खरबूजा कहाँ से खरबूजा होता है? मैंने बताया कि ये समर सीजन में, गर्मी के सीजन में मिलता और बहुत ही स्वीट होता है, जो सबको पसंद आता है और सब लोग इसको खाते हैं। ओके, तो ये क्या है? ख से खरबूजा है। इसका पिक्चर है ख से खरबूजे का, ख से खरबूजा। तो यहाँ पे उसके नीचे खरबूजे के नीचे लिखेंगे ख से खरबूजा, 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 ख से खरबूजा। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग आज कैसे थे? नौ से नौ और चित्र देखकर उनकी पहली आवाज देखो। अभी तक हम लोगों ने लिखा द से दर्जी, द से धनिया, द से दस्ताना, नौ से नौ, नौ से खरबूजा। अब हमारा लास्ट बचा है काऊ। गाय आपने देखा है, गाय उनको क्या देती है? मिल्क, दूध, दूध देती है जिसको हम लोग पीते हैं। दूध पीने से हमको क्या क्या होता है? हम क्या बनते हैं? ताकतवर, हमारे शरीर में ताकत आती है। तो ये क्या है? दूध हमारे गाय के कहाँ से निकलता है? थन से। कहाँ से निकलता है? थन। तो थ से थन होता है, थ से थन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? थ से थन। थ से थन, थ से थन। अब बुक में देखो, देखो दिया है ना, सोचो और इनको चित्र पहचान कर उनकी पहली आवाज लिखो। तो चलो ये क्या है? किसका पिक्चर है? द से दर्जी, द से धनिया, द से दस्ताना, द से नौ।
आप मेरे से मिलो।